दोगला दोगला हो, आंखों में उंगली मार के आया हो बे, थोड़ा इमोशनल तो होने दो भाई। ऐसे तो मेरा करियर बचा है भाई, आंखों में उंगली डाल डाल। अरे कब तक चुप रहना है भाई, प्लीज नो लफड़ा, प्लीज नो लफड़ा। अरे कब तक चुप रहना है भाई, कब तक। सांप, हाँ यार बहुत बड़ा सांप था भाई, ढस दिया भाई, पिछले 2.5 साल के बाद ढसा हो भाई, पहले ढस देना चाहिए है ना, 2.5 साल के बाद ढसा भाई, सांप था मैं तो। सब बताओ सब बताओ, सब 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 बताओ सब बताओ। दोगला दोगला दोगला, टट्टा टट्टा टट्टा, लिखो लिखो लिखो। टट्टा से, टट्टे से याद है, ये जो आजू बाजू की गोटियां बज रही है ना, उनको बोलो उनका इवेंट है, ध्यान दे दो उस पर, बिकॉज फायदा नहीं है, उधर परफॉर्म करो पहला, उसके बाद बजो यार। एंड रही बात गाइज अक्षत की, अक्षत वाला मैटर मैं क्लियरली बता देता हूँ, एकदम क्लियरली बता रहा हूँ ठीक है, अक्षत वाला मैटर, अमित भाई वाला मैटर, लास्ट में फिर भाई समझ लो हम्बल वाला मैटर। तो अक्षत वाला मैटर ऐसा था, हमारा BMPS खत्म हुआ, BMPS खत्म होने के बाद हमारी मीटिंग में हमें ऐसा नहीं था कि भाई अगर अक्षत को खिलाना नहीं होता ना तो BMPS में उसको लेते नहीं पहली चीज, उसको पहले ही मना करते थे ठीक है। हम चारों को, हम तीनों को उसके साथ खेलना था, इसलिए हमने बोला था BMPS क्या देखेगा, BMPS हम क्वालिफाई नहीं हुए ठीक है, BMPS हम क्वालिफाई नहीं हुए, BMPS क्वालिफाई होने और ने हमें बोली कि हमें 4-मैन रोस्टर चाहिए, तो तुम डिसाइड कर दो तुम किसको निकालते हो ठीक है, शोभन या अक्षत। अब रही बात अक्षत, हमें था कि BMPS के बाद हम अक्षत को खिलाएंगे, एंड BMPS के मैचेस के बीच में भी खिलाने वाले थे, सेमीज में या उसमें, बट हम वो फेज में ही नहीं आएंगे उसको खिला पाए, हम हर दिए 1.5 महीने से हम पहला पावर पे काम किए, पावर चला गया, उसके बाद शोगन आया, शोगन पे काम किए, अब बात आई कि या तो शोगन को चूज करो या तो अक्षत को चूज करो। अब हम 1.5 महीना अक्षत को, शोगन को दिए ठीक है, 1.5 महीना हमने शोगन के साथ खेले, शोगन के साथ सब कुछ सही किया है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ बहुत बेकार प्लेयर वो है, जज उस बेसिस पे नहीं किया गया कि भाई कौन बेटर है कौन नहीं, बट एक प्लेयर ने 3 महीने का ब्रेक लिया, 3 महीना कॉम्पिटेटिव के सिनेरियो से बाहर था, एंड एक प्लेयर 2 महीना खेला है हमारे साथ, हमने उसको टाइम दिया, हमने उसको हर चीज दी वो पेज में ठीक है। तो टीम डिस्कशन हुआ, टीम डिस्कशन में सबसे पूछा गया, मैंने सबसे पूछा कि तुम बता दो मैनेजमेंट ने ऐसा बोल दिए तो तुम्हें किसको चाहिए, टीम डिस्कशन में ठीक है, टीम डिस्कशन में ये फाइनल हुआ कि, एंड हमें नहीं पता हमारा इवेंट आखिरी या नहीं है इसके बाद ठीक है, हमें नहीं पता, हम आखिरी समझ के खेलते हैं हर इवेंट, तो हमने बोले, नियो ने बोला कि मुझे शोगन क्या जमेगा करिए, क्योंकि अभी वो अच्छा ही कह रहे, ऐसा कुछ बुरा किया नहीं उसने, तो किस बेसिस से उसको निकालेंगे ठीक है। नियो ने अपना ओपिनियन दिया, गॉब्लिन ने अपना ओपिनियन दिया, मैंने एक अपना ओपिनियन दिया, ओपिनियन में आया कि शोगन इन है एंड अक्षत आउट है। अक्षत ने हमें क्लियरली बोल दिया था कि अगर ऐसा कुछ, मैंने अक्षत को एंड मैंने एक से और से बात हुई थी, तो मैंने बोला था ये खिला के देखते अक्षत को करके ठीक है, पहले 10-15 दिन हम खिला के देखने आए थे, 15 दिन अक्षत को 15 दिन शोगन को, एंड उसके बाद बताने वाले थे, बट ऐसा हुआ कि लटका के नहीं रखना था, अक्षत ने हमें बोले लटका के मत रखो, हो पाया तो अभी क्लियर कर दे क्योंकि मुझे लटके नहीं रहने, तो बस मैंने फिर बोला कि लटके आना सीन नहीं करना है, तो देख हमारा डिसीजन तो ऐसा है ये, तो मैंने उसको फाइनली बता दिया कि ऐसा डिस्कशन है। एंड रही बात उसकी कि शोगन को 2 महीना आया शोगन को, उसको निकाले 2-3 साल की दोस्ती आ रही, मैंने अक्षत को उसके बाद बिठाया था, ऐसी दोस्ती आ रही हमारी बात हो रही थी, तो मैं उसको ऐसा बोला अक्षत तेरे को तो बहुत टीम्स मिल भी जाएगी यार, तू मतलब मैं उसको पॉजिटिव है, मैं उसको मोटिवेशन के टाइम पे ऐसा मोटिवेट किया था कि तेरे को तो बहुत टीम्स मिल भी जाएगी, एंड शोगन अभी निकलेगा तो वो फेज में नहीं है कि उसको कोई अच्छी टीम मिले, मुझे नहीं पता बट शायद उसको नहीं भी मिलेगा करके, बट इसको तो रीजन मत समझ, रीजन सिर्फ ये है कि हम तीन का डिसीजन था अक्षत यार नहीं खेलने का, बिकॉज वो 2-3 महीने से कॉम्पिटेटिव का ब्रेक लिया, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था इतना अच्छा, हमें ताकि पहला खेल के तो देखे, बट वो खेलने वाला फेज ही नहीं आया क्योंकि और ने बोल दिया कि एक को निकाल दो, सिंपल सी बात है, हमने जो था वो क्लियर कर दिया अक्षत को मुंह पे, जो था शोगन को भी क्लियर कर दिए, मैंने और के साथ भी क्लियर हो गया। अब रही बात अक्षत की ये बोलना कि 2-3 साल से था, एंड जो भी था यार भाई तेरे लिए बहुत लोगों ने बुरा भी बोले, तेरे को बिठाने के लिए भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोले ठीक है, ऐसा नहीं था कि नहीं था, एंड अक्षत ने ब्रेक नहीं लिया था, अक्षत ने ये बोला था कि मेरे को घर से खेलना है BGMS, तो मेरा ने उसको क्लियरली मना कर दिया, नहीं तो घर से नहीं हो पाएगा, हमें एक प्लेयर को उठा के ट्राई कर दी, जब दोस्ती है तुम इतना भाईचारा भाईचारा करते है तब कर लेना चाहिए ना, घर से खिला देना चाहिए तेरे को BGMS, क्या दिक्कत थी समझ लो, बहुत क्लियर स्टेटमेंट है गाइस। टीम डिस्कशन हुआ, उसने ब्रेक लिया, एंड उसके बाद हमें नहीं आ रहा था कॉन्फिडेंस, हमें नहीं पता था ये एक और इवेंट उसको देंगे तो वर्थ इट होगा नहीं होगा, नहीं पता था, एंड शोगन के लिए भी अनफेयर है, जितना फेयर, जितना अनफेयर हो अक्षत के लिए उतना ही अनफेयर शोगन के लिए, उसको 25-30 दिन हुए आके, उसको सिर्फ 25-30 दिन हुए, एंड उसने कुछ ऐसा बुरा नहीं खेला, फक नहीं किया टूर्नामेंट के अंदर कि हम उसको उस बेसिस पे निकाले,
ये क्या बात होगी, मतलब अगर अनफेयर फेयर की बात करना है करके, तो हम पुराने इस पे ही निकालेंगे ना, पास्ट के बेसिस पे, कि 3 महीने तक नहीं था वो सीन में, 3 महीने तक शोगन था सीन में, तो क्या गलत? एंड जिसको सही गलत समझना समझो, फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आता है अमित भाई वाला मैटर। अमित भाई आते हैं कल स्ट्रीम पे, और पता नहीं मैंने हाईलाइट इलाइट देखा, जो भी बोले कि हमने फाइनेंशियली बैक सपोर्ट किए थे एक्टर को, हमने ये किए थे, उसने किया गलत किया। पहली चीज, अमित भाई फाइनेंशियली बैक सपोर्ट सिर्फ और नहीं किए, वो है सोल एंड सीजी। सेकेंड चीज, जो मेरे को बैक फायर करना था, बैक फायर करना होता तो सोल में मैं रुकता, मैं एक ऑब्जिन सोल में रुकते एंड हम बैक फायर करते। फिर उसके बाद हम टीम, मैंने बहुत बार बोला था कि मुझे टीम के लिए बहुत ज्यादा इमोशन है एंड मैं टीम के लिए करता हूँ, मैं टीम के लिए छोड़ा सब कुछ, सोल भी छोड़ा, सब कुछ चीजें किया टीम के लिए, एंड मेरे को आके बोलो कि बैक फायर किया मैंने। 2 दिन पहले इवेंट के बेसिस पे जो हो रहा है, ओमेगा ने इतने डीएम्स किया है, ओमेगा मैसेज करा करता था ऐसा कि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं खिला नहीं पा रहा हूँ टीम को, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या कर, डीमोटिवेट हो गए, समझ रहे हो, डीमोटिवेट हो, कुछ ना ओवेस पे सब टेक्स्ट फिक्स किया है। तो भाई ओवेस का तो हक होगा ना कि पूछेगा टीम से कि भाई किसका कॉन्फिडेंस किस में, एंड मेरा एक फॉर्म चल रहा है उस टाइम पे, मैं अच्छा खेल रहा हूँ उस टाइम पे, तो क्या दिक्कत है, एक इवेंट बैठ गया ना, क्या दिक्कत है, मैं भी 2 इवेंट बैठा हूँ ना, क्या दिक्कत है, मैं तो बिना रीजन के बैठा हूँ, कोई रीजन था, जस्टिफाइड किया गया था, नहीं बैठा था, एक रीजन, एक एक इवेंट बैठने में क्या दिक्कत थी, कौन सा कोई दूसरा बाहर का अपना आगे, कोई बाहर का आगे खेल रहा था, अपने ही आगे खेल रहा था ना, बताओ, अपना ही आगे खेल रहा था ना, कोई बाहर का था खेलने वाला, एंड उसके खुद के वर्ड्स थे, उसको खुद को उस टाइम कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, बीजीएमएस के लैन से पहले अगर कोई आईजी को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, एंड सामने फिफ्थ बैठा है जो कि फिफ्थ अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो क्या उसको इन नहीं किया जाएगा? बहुत सिंपल लॉजिक है बे, इसको घुमाओ मत, इतना मत घुमाओ, वेस्ट है घुमाना, वेस्ट। एंड मैं क्लियरली बताऊंगा अच्छी चीज जो भी है, आंखों में आंसू डाल के बताओ या स्टेट फंड पे बताओ, भाई बट बताऊंगा जो भी था। एंड नई बात रुकने की, फाइनेंशियली कि हम बहुत पहले निकाल चुके थे एक्टर को, मैं अपनी टीम एक्टर बना के खेल रहा था, मैं अपना वर्थ प्रूफ कर रहा था, मैं क्यू सी जी में फिफ्थ बैठ के भी खेल रहा था, तो भी मैं अपना इवेंट खेल रहा था, एक भी इवेंट मिस नहीं कर रहा था, मैं मेन इवेंट मिस हुआ चलेगा, बड़ा अनऑफिशियल नहीं करती, मेरे को पता था कि आगे आगे बात भी हो सकती है, एटलीस्ट मेरे को कोई भी और ना सोलने में भी बोली ना, वो सीजन बोली हम तुमको निकालने का सोच रहे, किसी ने नहीं बोली, जो तुम बोल रहे हो कि हम निकाल सकते थे, भाई कुछ नहीं निकाल सकते थे, निकालने के रेड टारगेट सिर्फ 2 ही थे, अमित बैंक ओमेगा, इन दोनों और, दोनों और में डिफेंड करने वाले हम 3 थे, मैं कॉबली ने अक्षत बहन छोट, भूल जाते हो सब कुछ, अजीब हो। और अमित भाई का बहुत क्लियर, अमित भाई तुम थे ही नहीं, तुम पूरे सीन में ही नहीं थे, बीजेएमएस में क्या हुआ, किसके साथ 2 दिन पहले क्या हुआ, क्या बात हुई, तुम्हें ये सब भी नहीं पता जो मैंने अभी बोला स्ट्रीम पे, ठीक है, ये सब भी नहीं पता है, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि कौन सही है कौन गलत? भाईचारा दिखाना है ना, दिखाओ प्लीज, दिखाओ, स्ट्रीम पे आके मत करो यार, स्ट्रीम पे आके बकचोदी मत करो, यही बात है, दिखाओ भाईचारा, जितना दिखाना है ना, जितना दिखाना है दिखाओ भाई, खुद ही बुराई करते थे एक टाइम पे ओमेगा की, अक्षत भी खुद ही बोलता था मेरे को ओमेगा क्या नहीं खेलना, कंटिन्यू नहीं करना, मैं जानता हूँ अक्षत के लिए बुरा हुआ है, मैं फील भी करता हूँ, आई एम सॉरी अक्षत उसके लिए जो हुआ, बट वो सिचुएशन मैच नहीं करी भाई, हम किसी तक को खिला पाए, हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, ये बहुत क्लियरली है, उसने जो भी बोला अक्षत के लिए, मैं अक्षत को नहीं बोल रहा हूँ कि अक्षत गलत है, अक्षत कुछ वो है, अक्षत सही है, बट उसके आजू बाजू बजने जो टट्टे है ना, वो कुछ ज्यादा ही बचते हैं कभी कभार, ठीक है, मेरे को वो बात पे दिक्कत है, अक्षत को जो ब्लेम करना है ना, अक्षत को जो हेट खिलवाना है हमें खिलाओ, हम खाएंगे, हम तीनों बंदे हेट डिजर्व करते हैं वो हेट, बट बाकी कोई डिजर्व हेट नहीं करते हम, जो तुम सारे लॉजिक लगा देते हो ना, कीचड़ से बाहर निकल गया, अरे यार कीचड़ से बाहर निकल गया,